हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 का नाम है मशीनरी। इसका आज ये लेक्चर नंबर 19 है। इसके पहले लेक्चर में हमने चिनाई में प्रयोग होने वाले मुख्य शब्दावली के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने पार्ट 1 के बारे में जाना था। आज हम चिनाई में प्रयोग होने वाले मुख्य शब्दावली टर्म यूज इन मशीनरी का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने कुछ जाना था और कुछ आज हम दोस्तों पार्ट 1 में हमने सम्मुख सतह फेस एंड फेसिंग क्या होता है इसके बारे में जाना था। फिर दीवार की पुष्ट सतह या पीठ बैक एंड बैकिंग क्या होता है इसके बारे में जाना था। और भरत या भराव क्या होता है इसके बारे में जानते थे। रद्दा क्या होता है, आधार तल बेड क्या होता है, क्षैतिज जोड़ हॉरिजॉन्टल जॉइंट क्या होता है, ऊर्ध्वाधर जोड़ वर्टिकल जॉइंट और पट्टी स्ट्रेचर और पट्टी रद्दा स्ट्रेचर कोर्स क्या होता है इसके बारे में जाना था दोस्तों। तो आज हम इसके आगे टर्म जो आएंगे उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चिनाई में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्दावली का पार्ट 2 लेकर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं टर्म यूज इन मशीनरी, चिनाई में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्दावली के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों पहले हमने इसका पार्ट 1 में कुछ शब्दावली के बारे में जान चुके हैं। आज इसका हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम उसके बचे हुए शेष भाग के बारे में जानेंगे। और देखिए दोस्तों, इसमें किताब में तो बहुत ज्यादा दिया है, मगर हम जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जो सिलेबस में दिया गया है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमने तोड़ा हेडर तक जान लिया था, हेडर क्या होता है। आज हम जानते हैं दोस्तों तोड़ा रद्दा हेडर कोर्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब सामने से देखने पर एक ही रद्दे में सभी ईंटों की सिर्फ मोटाई और चौड़ाई दिखे तो उसे तोड़ा रद्दा या हेडर कोर्स कहते हैं। क्या दिखे? सिर्फ मोटाई और चौड़ाई ही देखे। ये देखिए, यहां से यहां तक मोटाई और ये चौड़ाई ही दिखे उसे हम तोड़ा या रद्दा हेडर कोर्स कहते हैं। तो ये पहला था। अब हम जानते हैं दोस्तों दूसरा नंबर पे है कोनिया क्या होता है इसे जानते हैं। जब दो दीवारें एक दूसरे को समकोण या किसी अन्य कोण पर मिलती या मुख्य दीवारों को बाहरी कोना कोनिया कहलाता है। कोनिया क्या होता है आप से समझ लीजिए, कोण को ही कोनिया कहते हैं। मगर कहां? बाहरी दीवार से आप देखेंगे तो जहां से दीवार एक दूसरे से जुड़ी होती है उसे ही, चाहे समकोण पर, ज्यादातर क्या, सभी लगभग समकोण पर ही होती है, समकोण पर या अन्य किसी कोण पर मिली रहती है मुख्य दीवारें कहलाती हैं। मुख्य दीवारों का बाहरी कोना कोनिया कहलाता है। तो ये था दोस्तों कोनिया। पहले हमने तोड़ा रद्दा हेडर कोर्स जाना, फिर हमने कोनिया जाना। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आता है क्लोजर, ये क्या होता है? एक होता है किंग क्लोजर, एक होता है क्वीन क्लोजर। ये सबसे महत्वपूर्ण है और सभी में ज्यादातर पूछता है। तो दोस्तों हैं पहले डेली क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, तब उसके बारे में जानते हैं। चिनाई के दौरान ऊर्ध्वाधर जोड़ों की सतता भंग करने एवं रद्दों को पूर्ण करने के लिए ईंटों को काट कर लगाना पड़ता, इस कटे ईंट को डेली कहते हैं। डेली मतलब क्लोजर। तो क्या है? ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल ही काटेंगे। इसमें हमें लंबाई में जब काटेंगे वर्टिकल में कुछ तोड़ा जाता है तो उसे ही डेली कहते हैं। इसमें ईंट को वर्टिकल ही तोड़ा जाता है। दोस्तों हम समझते हैं, आपको चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर लंबाई में क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए ये ईंट है, ये आप मान लीजिए इसको ईंट है। तो जब इसके लंबाई में ही काटेंगे, इस साइड नहीं, लंबाई में जब हम काटेंगे उसे ही डेली या क्लोजर कहते हैं। अब इसको देखते हैं कैसे कैसे काटते हैं। पहले दोस्तों हमने क्लोजर जाना। क्लोजर में क्या होता है कि यानी लंबाई में ही ईंट को काटा जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, ये ईंट मान लीजिए, इसकी लंबाई होती है 19 गुणे 19
19 गुणे 9 सेंटीमीटर होती है ईंट की लंबाई, आप इसको मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें जब हम वर्टिकल यानी लंबाई में ही काटेंगे तो उसे क्लोजर या फिर डेली कहते हैं। इसको दो तरह से होता है, एक होता है किंग क्लोजर, एक होता है क्वीन क्लोजर। पहले नर डेली के बारे में जानते हैं। जब किसी ईंट को उसकी लंबाई एवं चौड़ाई में आधे आधे तिरछे रूप में काटा जाता है तो उसे नर डेली या किंग क्लोजर कहते हैं। आप ये चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। कौन कौन? ईंट की लंबाई, ये लंबाई है, देखिए दोस्तों ये हमारी लंबाई, ये लंबाई है, ठीक है। लंबाई और क्या है? और चौड़ाई, ये हमारी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई को आधे आधे तिरछे रूप में काटा जाए, ये हमारी लंबाई हो गई दोस्तों। इस लंबाई को आधा यहां से, और फिर कह रहा है चौड़ाई, चौड़ाई को आधे से, जब यहां से काट देंगे दोस्तों तो हमारा बन जाएगा किंग क्लोजर। उम्मीद करते हैं आपको किंग क्लोजर क्या होता है इसको जानते हैं। इसको जब दोस्तों यहां से इसकी लंबाई चौड़ाई आधी काटेंगे और लंबाई आधी, जब इसको यहां से काट देंगे तब ये हमारा बन जाएगा किंग क्लोजर। तो दोस्तों ये था किंग क्लोजर। अब हम अगला बात करेंगे दोस्तों क्वीन क्लोजर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब किसी ईंट को उसकी लंबाई के समांतर चौड़ाई में आधे आधे पूरी लंबाई से काटा जाता है तो उसे मादा या फिर डेली क्वीन क्लोजर कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसको खोले, लंबाई के समांतर चौड़ाई के आधे आधे से चौड़ाई के आधे आधे से पूरी लंबाई काटा जाता है। चौड़ाई के आधे आधे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चौड़ाई के आधे आधे से पूरी लंबाई को काटा जाता है तो उसे मादा डेली या क्वीन क्लोजर कहते हैं। ये देखो तो, क्या कह रहा है, चौड़ाई के आधे आधे, ये हमारी ये चौड़ाई हो गई दोस्तों, ये चौड़ाई इसके आधे आधे, इसकी कहाँ होगी, आधे ये होगी और इसका आधा ये होगा, आधे आधे पूरी लंबाई काटी जाती। देखिए कह रहा, आधे आधे भाग से पूरी लंबाई, ये हमने ये काट दिया, पूरी पूरी लंबाई से जब काटी जाती है तो उसे मादा डेली या क्वीन क्लोजर कहते हैं। तो ये था दोस्तों क्वीन क्लोजर। उम्मीद करते हैं आपको क्लोजर, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर क्या होता है इसके बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर तो 100% पूछ सकता है, चाहे संक्षिप्त पढ़ते में चाहे किसी क्वेश्चन के साथ। देखिए आपको, देखिए साफ साफ समझे, किंग क्लोजर ये होता है आधी चौड़ाई आधी लंबाई से काटा जाता है किंग क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, चौड़ाई आधी चौड़ाई आधी चौड़ाई पूरी लंबाई काटा जाता है उसे ही मादा डेली या क्वीन क्लोजर कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको डेली, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर आपको समझ में आ गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं, अगला है हमारा टुकड़ा बट किसे, बैट किसे कहते हैं। जब ईंट को उसकी लंबाई में चौड़ाई के समांतर, सुनिए, जब किसी ईंट को उसकी लंबाई में चौड़ाई के समांतर किसी भी आकार में काटा जाता है तो टुकड़ों का निर्माण हो जाता है, जैसे आधा पौना ईंट। ये तो आम बात है कि आप चौड़ाई में काटिए, चाहे जितने, चाहे आधा पौना, आप लोग जानते हैं इस इसके समझ। फिर है अगला है सांड की नाक की तरह, नोज नहीं बुल नोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने जब परीक्षा दिया था तो ये पूछा था संक्षिप्त परिचय की दृष्टि से। तो जब ईंट को सांड की नाक की तरह बनाया जाता है उसे बुल नोज ब्रिक कहते हैं। ये आप चित्र की सहायता से, अगले वाले भाग को, ये है इसका, जब काट देते ऐसे भाग काट देंगे, ये वाला भाग काट देंगे तो हमारा बुल नोज बन जाएगा, यही है, यहां से ये देखिए, ये हमने काट देंगे तो ये वाला निकाल देंगे तो नोज की तरह बन जाएगा। तो ये था दोस्तों बुल नोज, सांड की नाक की तरह क्या होता है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक बात करेंगे दोस्तों, अगला हम बात करेंगे मुंडे प्राप्त क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो भवन के सबसे ऊपरी छत के चारों ओर बाहर की तरफ सुरक्षा के लिए बनाई गई छोटी दीवार मुंडेर कहलाते हैं। आप लोग जो समझते होंगे मुंडेर क्या, जो छत के ऊपर जो लगभग कमर तक जो उठाई जाती है 1 से 2 मीटर तक, वही हमारा होता है मुंडेर क्या होता है। ये क्या होता है, छत को ढकने के लिए और बढ़िया सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। फिर है कत्तल क्या होता है, स्पेल्स क्या होता है,
ईंटों या पत्थरों को विभिन्न आकार देने के लिए कटाई छटाई करनी पड़ती है। इस दौरान छोटे छोटे टुकड़े बनते चले जाते हैं। इन्हें टुकड़ों को कत्तर कहते हैं। इन्हें चिनाई के दौरान खाली जगहों पर मसाला लगाकर भर दिया जाता है। ये आप कत्तर भी जानते होंगे दोस्तों। ये हमारा टर्म्स यूज इन मशीनरी, चिनाई में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्दावली के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना है। किताब में तो बहुत दिया है मगर हम इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस सिर्फ ही जान रहे हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं हमारे हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट था उसको हमने बता दिया है। अब इसका हम पूरे जितना हमने बताया है इसका पूरा हम चित्र की सहायता से समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या हमने जाना है। ये देखिए दोस्तों ये चित्र है। आप इस चित्र को बना देंगे तो परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और फुल नंबर मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, रद्दा क्या होता है? रद्दा इसमें क्या होता है जो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो दोनों को मसाले का लिया जाता है। ये यहां से यहां तक हमने लिया एक रद्दा हो गया। ये जो रहता है क्षैतिज रहता है उसे क्षैतिज ज्वाइंट कहते हैं। जो खड़ा खड़ा रहते उसे वर्टिकल वर्टिकल जोड़ कहते हैं। ये हो गया क्षैतिज जोड़ रद्दा। और ये हमारा हेडर होता है, ये स्ट्रेचर होता है, इसको हमने सब बता दिया। ये आधार तल होता है, यहीं से हमारा कोई भी बेस तैयार होकर बनता है। ये पट्टी होती है, इसे स्ट्रेचर कहो या फिर पट्टी कहो, तोड़ा होता है, हेडर कहो या तोड़ा कहो, ये सब है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको चित्र की सहायता से पूरा समझ में आ गया होगा और हमने समझाया भी है दोस्तों एक एक करके सबका विस्तार से भी। तो दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और टर्म यूज्ड इन मशीनरी, चिनाई में प्रयोग होने वाला शब्द, ये टॉपिक भी समाप्त होता है दोस्तों। अगले चैप्टर में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो यह लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।